अफशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा इजरायली फौजी कार्रवाई की तहकीकात के लिए एहतसाब के निजाम की हिमायत करेगा। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि फलस्तीनी शहरियों को ज्यादा तहफ़ फराहम करने की यकीनी ज़रूरत है। हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि तशद्दुद को रोकना चाहिए। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस ने मुतनाज़ा वीडियो पर माफ़ी मांग ली। फ्रिगिस ने अरकान पार्लियामेंट से अपने आप को बचाने का मौका मांग लिया। फ्रिगिस का कहना है कि अगर कॉमन्स कमेटी ने मुतालबा किया तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। मिलानी जुली का कहना है कि कनाडा इजरायली फौजी तर्ज अमल की तहकीकात के लिए एहतसाब के निजाम की हिमायत करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जुली ने कहा है कि कनाडा बिलाखिर हमास के खिलाफ जंग के दौरान इजरायल के फौजी तर्ज अमल की तहकीकात के लिए एहतसाब के निजाम की हिमायत करेगा। जुली ने गजा में तशद्दुद के खात्मे का भी मुतालबा किया, लेकिन जंग बंदी का मुतालबा करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि कनाडा अब भी मुतवक्के जंग बंदी की करारदाद के मुख्तलिफ विजन पर गौर कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद कनाडा की हुकूमत ने मामूल के मुताबिक कहा है कि वो बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत करती है। एक इंटरव्यू में जब जूली से पूछा गया कि कनाडा इमदादी ग्रुपों की रोशनी में हमास के खिलाफ इसराइल की फौजी मुहिम को किस नज़र से देखता है कि इसराइल बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और गजा के अंदर बढ़ती हुई हलाकतों की तादाद है, तो उनका कहना था कि मेरे ख्याल में दूसरी जंगी अजीम के बाद से हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज इसराइल के वजूद का हक रहा है, जो बुनियादी है, और साथ ही शहरियों का तहफ्फुज भी। और वाज़ेह तौर पर इस वक्त इन दोनों तरजीहात के दरमियान तनाव है। जूली का कहना था कि बिलाखिर यकीनन हम एहतसाबी निज़ाम की किसी भी शक्ल की हिमायत करेंगे बैनुल अक्वामी सतह पर जो इस मसले को देखेंगे। मैं समझती हूँ कि इसराइल गजा में किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये अहम है, क्योंकि हम इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीनी शहरियों को ज़्यादा तहफ़ फराहम किया जाए। इस वक्त 18,000 फ़लस्तीनी शहरी और जंगजू मारे गए हैं। 70% उन लोगों में से ख़वातीन और बच्चे थे। जूली का मजीद कहना था कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि तशद्दुद को रुकना चाहिए। तशद्दुद का सिलसिला इसराइल की तवील मुद्दती सलामती में मदद नहीं कर रहा, और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इसराइल जिस तरीके से ख़ुद को चला रहा है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हो। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस ने मुतनाज़ा वीडियो पर माफ़ी मांग ली और अरकान पार्लियामेंट से अपने आप को बचाने का मौका मांगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस ने मुतनाज़ा वीडियो पर माफ़ी मांग ली और अरकान पार्लियामेंट से अपने आप को बचाने का मौका मांगा। फ्रिगिस का कहना है कि अगर कॉमन्स कमेटी ने मुतालबा किया तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस एक पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश हुए, जहाँ उन्होंने ऑन्टेरियो लिबरल कन्वेंशन में दिखाई गई उनकी एक वीडियो पर मुल्क से माफ़ी मांगी और अपनी गवाही का आगाज किया। फ्रिगिस ने कहा, पहले मैं यहाँ आप सब से, ऐवान में मौजूद अपने तमाम साथियों से और दर हकीकत तमाम कैनेडियन से माफ़ी मांगता हूँ। 105 सेकंड की वीडियो जो फ्रिगिस के इर्द गिर्द के तनाज़े के मरकज में है, स्पीकर को अपनी सरकारी दफ्तर में अपने स्पीकर के लिबास पहने सूबाई लिबरल पार्टी के सुबकदोश होने वाले अबूरी रहनुमा जॉन फ्रेज़र को खराज तहसीन पेश करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने जॉन फ्रेज़र को एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जो एक देरीना दोस्त है। इसके बरक्स यकीन दहानियों के बावजूद इसे एक अवामी पार्टी के इज्तिमा में दिखाया गया।
इससे क़तः नज़र के उसे निजी या आवामी तौर पर नशर किया जाए, मुझे इसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। फ्रिगिस ने कमेटी के अरकान पार्लियामेंट को बताया कि वो जानता है कि उसने गड़बड़ की है और वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे और उस वादे की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए प्रोटोकॉल लगा दिया है। आगे बढ़ते हुए फ्रिगिस ने कहा, जब भी उन्हें किसी तकरीब में बोलने या वीडियो पैगाम फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी तो हाउस ऑफ कॉमन्स के क्लर्क से मशवरा किया जाएगा। फ्रिगिस ने कहा कि उनका दफ्तर एक एलिवेशन ग्रेड का मुसवदा तैयार कर रहा है जिसे वो मंजूरी के लिए क्लर्क के दफ्तर में जमा कराएगा। ये ग्रेड दफ्तर को स्पीकर के मवासलात की मुनासबत के बारे में फैसला करने में मदद करेगा।